गाइस कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी पारस को लेके। यहाँ पे गाइस वो वीडियो देखने के बाद काफी लोग मेरे को ये कहने लग पड़े और इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम भी आने लग पड़े कि मैंने भाई पारस को सपोर्ट किया वो वीडियो बना के। यार आप लोग भाई कुछ भी बोल देते हो यार, एक बार पूरी वीडियो देखा करो फिर गाइस बोला करो कुछ भी जो भी बोलना होता है। गाइस वो वीडियो मैंने अपलोड की थी पारस की मॉम की वीडियो थी उसे देखने के बाद। तो गाइस पारस की मॉम की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरी वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हो। वहां पे गाइस किसी की मॉम आके माफी मांग रही है यार, किसी बेटे ने कुछ गलत किया, ठीक है उसने गलत किया मैं मानता हूं, मैं बोल भी रहा हूं उसने किया है, मैं किसी की मॉम आके गाइस माफी मांग रही तो मेरे को वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए गाइस मैंने वो वीडियो बनाई। वहां पे गाइस मैंने लिखा था प्लीज माफ कर दो पारस को, तो कुछ मैंने यही लिखा था, मैंने ये नहीं कहा कि पारस सही है, तो मैं बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं कहा था, जबकि मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि पारस गलत है। यहां पे उसने रेसिज्म की बात की, यहां पे उसने अरुणाचल प्रदेश को चाइना का पार्ट बता दिया वीडियो में, वहां वो गाइस गलत है पूरी तरह से, मैंने वीडियो में मेंशन किया था क्लियरली। आई डोंट नो कि आप लोगों ने मेरी वो फुल वीडियो देखी थी कि नहीं देखी थी, यहां तक गाइस मुझे लगता है कि किसी ने भी वीडियो फुल नहीं देखी होगी, बस कमेंट किए हैं। क्योंकि आज अगर आप फुल वीडियो देख लेते तो आपको पता चल जाता कि उस वीडियो में मैंने पारस को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया था, जबकि मैंने उस वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि पारस गलत है। बट गाइस मेरे को पता नहीं यार क्यों लोग मेरे को बोलने लग पड़े कि मैं पारस को सपोर्ट कर रहा हूं वो वीडियो बना के, सिर्फ और सिर्फ टाइटल और थंबनेल देख के। एटलीस्ट गाइस जो वीडियो में बातें बोली गई वो फुल सुन लिया करो, वो कम से कम 9 से 10 मिनट की वीडियो थी जो मैंने अपलोड की थी, किसी ने भी गाइस वो फुल वीडियो नहीं देखी थी, बस गाइस कमेंट बॉक्स में आके गालियां देना स्टार्ट कर दिया और बोलना स्टार्ट कर दिया कि मैं पारस को सपोर्ट कर रहा हूं। जबकि गाइस उस वीडियो में मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि किसी की मॉम को गाली देना गलत है यार, स्पेशली उसको जिसको पता भी ना हो इसके बारे में। गाइस पारस हो गया, गाइस मैं हो गया या फिर कोई और भी क्रिएटर हो गया जो यूट्यूब पे काम करता होगा, उसकी फैमिली को गाइस उसके माँ बाप को नहीं पता होगा कि यूट्यूब क्या है, मैक्सिमम गाइस घर वालों को नहीं पता होगा कि यूट्यूब क्या होता है, आप भी अच्छी तरह से जानते हो मिडिल क्लास फैमिली वालों को नहीं पता होता कि यूट्यूब क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं। तो वहां पर यार जो लड़के की गलती है लड़के को बोलो जो बोलना है, लेकिन जाके उसकी मॉम को बोलना मॉम को गाली देना यार ये गलत है, मैंने उस वीडियो में मेंशन किया था। तो वहां पे कुछ भाई महान ज्ञानी लोग आके बोलने लग पड़े कि किसी की माँ को गाली देना गलत कहाँ हो गया, अगर किसी को रेसिज्म बोल रेसिज्म बात करने वाला कि माँ की गाली देनी चाहिए, ये पता नहीं बहुत क्या ही मेरे को क्या एंड लेवल यार नशा कर लिया था लोगों ने वहां पे कुछ इतनी यार नफरत कैसे किसी को, ठीक है पारस को जो बोलना बोलो, लेकिन मैंने उस वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था, इस वीडियो में भी कर रहा हूं कि किसी की मॉम को गाली मत दो यार प्लीज, क्योंकि वो कुछ नहीं जानती हैं ना। गाइज आपकी मॉम जानती होंगी आप यूट्यूब पे क्या करते हो ना, गाइज मेरी मॉम किसी भी गाइज कोई कुछ नहीं जानता है कि आप यूट्यूब पे क्या करते हो यार, किसी के मॉम पेरेंट्स नहीं जानते हैं, तो एटलीस्ट गाइज इतना कर रहा हूँ कि किसी के मॉम की गाली मत दो यार। और पारस ने गाइज जो कुछ भी बोला वो गलत बोला है, वो कानूनी प्रक्रिया है, उसका फैसला गाइज कोर्ट सुनाएगा, मैं और आप कोई नहीं होता उसका फैसला सुनाने वाले या फिर पारस को सजा देने वाले। लेकिन गाइज काफी लोग भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे कल डीएम करके ये बोल रहे हैं कि हम उसे मारना चाहते हैं, तुझे भी मारेंगे, तू उसके खिलाफ उसके साथ वीडियो बना रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है, तो यार ये क्या है भाई, कुछ भी मतलब कि हमारे देश में कोई कानून नहीं है, कानून सजा नहीं देगा, आप लोग भाई खुद सजा दोगे आके। तो बस जो लोग खुद सजा देना चाहते हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब आपके सामने कोई बड़ा ऑफिसर किसी गरीब आदमी को मारता है तब आप लोग कहाँ रहते हो, तब एक भी आदमी बीच में नहीं आता, एक भी आदमी, सब तमाशा देखते हैं। लेकिन गाइस जब कोई बोल दे, जब कुछ हो जाए, जब ऑनलाइन कुछ हो जाए ना, सब टूट के पड़ जाते हैं उस पर, तो यार कानूनी प्रक्रिया होती है, FIR करवाइए, ठीक है कोर्ट फैसला करेगा कि उसने गलत किया सही किया, जो भी किया वो कोर्ट बताएगा, जो भी सजा देने की कोर्ट देगा, हम और आप देने वाले कोई नहीं होते हैं, हम बस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि उसने गलत बोला या सही बोला, हर आदमी की अपनी यार आज़ादी होती है बोलने की, अब वो गलत बोलेगा तो उसे सजा मिलेगी, सही बोलेगा तो नहीं मिलेगी, अब उस पर डिपेंड करता है, वो जुडिशरी पर डिपेंड करता है, जबकि वो उसने गलत बोला है आप सब भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग भाई ये बोलेंगे वीडियो सेंड करके बोलेंगे कि हम उसको मार देंगे जाके काट देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, तो भाई आप लोग कहाँ से सही हो पहले मुझे ये बता दो, फिर आप लोग भी यहाँ पे गलत हो जाते हो। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर किसी को कुछ गलत किया तो उसके पेरेंट्स को गाली मत दो, उसके पेरेंट्स को ठीक है बोलो कि आपके बेटे ने गलत किया ठीक है, बट उसकी मॉम आके यार माफ़ी मांग रही है वो भी यूट्यूब पे यार, किसी उन मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होती है ये, आप लोग शायद ना समझ पाओगे भाई, काफ़ी लोग अमीर होते हैं उनको नहीं पता होता इन सब के बारे में, जो मिडिल क्लास होते हैं ना गाइस उनको पूछना कि उनके जब माँ बाप गाइस उनको पता भी नहीं होता यूट्यूब क्या होता है, कैमरे के सामने आके आप बोलेंगे ना वो, तो आप खुद ना भाई इतनी बुरी हालत हो जाएगी ना आपकी, आप नहीं समझ सकते हो यार, मेरा कोई पारस कोई रिश्ता नहीं है ना उसकी मॉम को मैं जानता हूँ, बट ना होता है किसी की तुम लोग नहीं समझोगे, बस इतना समझ लो, अपनी मॉम को उसकी जगह पर खड़ी करके देखना बस आप समझ जाओगे अपने आप ही, बस ये नहीं कहूँगा मैं कि पारस सही है, बस गाइज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि प्लीज़ यार किसी की मॉम को गाली मत दो, पारस गलत है मैं क्लियरली मेंशन कर चुका हूँ, मेरे मेंशन करने से क्या होता है, जबकि वो गलत है सबको पता है वो गलत है, उसने गलत बोला है यहाँ पे, उसने रेसिज्म की बात कर दी कि इनकी शक्ल देखो चाइनीज जैसे लगती है, इनके नाम अजीब से हैं, ठीक है यार नाम होते हैं अजीब, और बहुत से लोगों के इंडिया में ऐसे अजीब से नाम है कि बोले भी जाते हैं, साउथ वर्ल्ड साइड को देख लो नाम नहीं बोले जाते हैं, उनके मतलब क्या वो इंडियन नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जो हमसे नहीं लिए जाते हमसे प्रोनाउंस नहीं किए जाते हैं, तो उसमें उनके नाम की गलती नहीं है, हमारी गलती है
कि हम उन्हें प्रोनाउंस नहीं कर सकते, हमने वो लाइफ में कभी सुने ही नहीं है नाम, तो हमारी गलती है। तो इसमें ये बोल देना कि वो इंडिया का पार्ट नहीं है, वो आदमी इंडियन नहीं है, तो ये गलत है, ये ठीक है, आई एम एग्री विद यू, ये गलत है, तो उसकी सज़ा होनी चाहिए, वो जुडिशरी फैसला करेगा, आप और मैं फैसला करने वाले कोई नहीं होते हैं। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी आप बोल लोगे कि हम सज़ा दे के रहेंगे, हम उसे मारेंगे, ये करेंगे, तो भाई आप क्या कर रहे हो, बस यही पूछना चाहूँगा मैं आपसे। तो ये पूरी तरह से गलत है, मैं यही बोलना चाहता था। कल की वीडियो में गाइस मैंने कुछ एक्स्ट्रा बातें ऐड कर दी थी, जहाँ पे गाइस मैंने ये कह दिया था कि एमएलए साहब जी को भी एक बार पता करना चाहिए कि क्राफ्टन जो कंपनी है, वो जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम है, वो चाइनीज नहीं है, क्राफ्टन की है। तो वहाँ पे गाइस उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि चाइनीज शेयर हैं क्राफ्टन में। तो मैं गाइस उनको कल भी बताया था, कल भी बताने की कोशिश की थी, मैंने आज भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाइनीज जो शेयर है ना ऑल ओवर वर्ल्ड में है, इंडिया में भी काफ़ी ऐप्स काफ़ी कंपनी में चाइनीज के शेयर हैं। तो गाइज इसका मतलब ये नहीं होता कि चाइनीज जो कंपनी है, चाइनीज जो शेयर है, उन ऐप्स को, उन कंपनी को यहाँ पे बैन कर दिया जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो बात मैं उस वीडियो में कही थी, और भी गाइज कुछ बातें कही थी जो मैं इस वीडियो में नहीं डाल रहा हूँ यार, क्योंकि आप लोग भाई कुछ नहीं सुनते। ऑडियंस जो होती है ना भाई, जब भीड़ हो जाती है ना, वो कुछ नहीं सुनते, जितनी ज़्यादा लोग होंगे ना वो कुछ नहीं सुनेंगे, बस एक आदमी कुछ बोलेगा उनमें से, वो उसी की बातें सुन के चल पड़ेंगे। तो यार ऐसा मत किया करो, अपना दिमाग लगाया करो, आपने जो करना था आपने किया, FIR करवाई, बहुत अच्छा काम किया। आपके खिलाफ क्या कोई भी किसी को कुछ बोलेगा, गलत बोलेगा, मेरे को गाइस कोई कुछ बोलेगा तो यार मैं बोल ही ना करूँ, लेकिन पूरी स्टेट को कोई बोलेगा तो भाई कोई ना कोई कर देता है, करोड़ों लोग होते हैं स्टेट में, कोई एक आदमी तो कर ही देगा ना FIR। तो ठीक है, FIR हुई, अब जो भी फैसला होगा वो कोर्ट का होगा, आप और मैं लेने वाले फैसला कोई नहीं होते हैं। तो यही बोलना चाहूंगा मैं आपको कि प्लीज किसी की मॉम को गाली मत दो, समझने की कोशिश करो, जो भी हुआ ठीक है, गलत हुआ वो मानता हूं मैं, आई एम एग्री विद यू, लेकिन यार कानून को अपने हाथ में मत लो, उसको अपना काम करने दो। कोर्ट किस लिए बनाए, कोर्ट क्यों बनाए गए हैं, फैसला सुनाने के लिए ना, न्याय करने के लिए। तो यार प्लीज कोर्ट को अपना काम करने दो, ये धमकियां देना बंद कर दो, जो मेरे को धमकियां दे रहे हैं कि तुझे को भी ले जाएंगे उठा के हम लोग अरुणाचल प्रदेश वाले, तुझे भी लेके, तेरे लिए फ्लाइट की टिकट बुक की, आ रहे हैं पुलिस वाले, तो यार क्या बोलूँ तुम लोगों को, मैं क्या ही बोलूँ यार, समझ नहीं आता है। तुम लोग क्या सोचते हो पहले ये बताओ, कुछ भी कोई अलग ही लेवल का नशा करके बैठे हो रहते हो, तो ऐसा मत क्या करो। मेरे को वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं अरुणाचल प्रदेश को कुछ बोलना चाह रहा हूँ या फिर पारस को कुछ बोलना चाह रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि पारस ने गलती की है, उसको भाई माफ़ी मांगनी चाहिए। उसकी मैंने वीडियो देखी माफ़ी वाली भी, जो कि मेरे को गाइस एक्सेप्टेबल नहीं लगी। यहाँ पे गाइस उसने बहुत सारे टाइटल में बहुत कुछ डाला था जो कि गाइस माफ़ी से रिलेटेड नहीं था। माफ़ी मांगनी आपको क्लियरली, माफ़ी मांगनी चाहिए, मेंशन करना चाहिए क्लियरली, उसके बाद गाइस कानून अपने काम करेगा। बट गाइस पारस की बहुत ज़्यादा गलतियाँ, उसने बार बार गलतियों पे गलतियाँ की हैं। वो वीडियो बनाने के बाद गाइस उसने जो माफ़ी मांगी वो भी सही तरह से नहीं मांगी, जिसकी वजह से गाइस और प्रॉब्लम हो गई आगे जाके। तो गाइस अरुणाचल प्रदेश वालों को और गुस्सा आ गया, आते 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 भाई बहुत बात आगे बढ़ गई, तो बिल्कुल सही भी है, गुस्सा आएगा, किसी को भी गुस्सा आ जाएगा अगर आप किसी के खिलाफ कुछ गलत बोलोगे ना भाई, गुस्सा आता है। इसलिए गाइज मैं बस यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, और किसी को ना, किसी को पारस को क्या है, कोई भी गाइज आपके आसपास हो कोई गलत करे तो उसको यार ये मत सोचो कि हम खुद मारेंगे, कानून होता है, कानून अपना काम करेगा। आप लोग भाई कोई नहीं होते हो जाके उसको पीटने वाले या फिर मारने वाले, आपको कोई हक नहीं है, ये सिर्फ कानून को हक है कि वो फैसला सुना के उसको सजा दे। तो आई होप गाइज आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। और गाइज मैंने इस वीडियो में भी क्लियरली मेंशन किया कि ये वीडियो मैं पारस की मॉम के स्टेटमेंट पर बना रहा हूँ, ना कि खुद से आज मेरा मन किया वीडियो बनाने का जो बना दिया मेरे को, तो अगर कोई वो नहीं है। बस गाइस कुछ बातें मेरे को बुरी लगी, जो मेरे को कहा जा रहा है कि मैं पारस को सपोर्ट कर रहा हूँ, जबकि गाइस मैं तो पारस को अभी देखा भी नहीं था, उसको यूट्यूब चैनल कभी मैंने देखा भी नहीं था, वो तो गल का मुझे न्यूज़ के चलते पता चला था कि ऐसी ऐसी बात हुई, उसके बाद गाइस मुझे उसकी मॉम की वीडियो देखने को मिल गई। तो यार मेरे को नहीं पता अब आप लोग भाई क्या सोचोगे इस वीडियो को देखने के बाद, क्या बोलते हो एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में, जो अरुणाचल प्रदेश के आदमी लोग हैं ना, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताना यार कि आप लोग मेरी ये वीडियो देखने के बाद क्या सोच रहे हो अभी यार, क्योंकि यार मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि आप लोग क्या सोचते हो यार, क्योंकि ये पूरा मामला ना अरुणाचल प्रदेश का ही हुआ है। तो इसलिए क्या मेरे को ये जानना है कि आप लोग क्या सोचते हो, पारस ने गलत किया, आई एम एग्री विद यू यार, लेकिन आप लोग सजा देने वाले कोई नहीं होते, उसे सजा देगा वहाँ पे असम का कोर्ट हो गया या फिर कोई और कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट यार, कोर्ट का काम होता है सजा देना, ना कि आम नागरिक का। तो बस यही मैं आपको कहूँगा, सजा देने का काम सिर्फ कोर्ट का होता है, तो यार कोर्ट ही सजा देगा उसको, हम और आप देने वाले कोई नहीं होते हैं। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और डिसएग्री करते हो तो भी गाइस बता देना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैंने गलत बोल दिया था कल वाली वीडियो में और इस वाली वीडियो में क्या गलत बोला है मैंने। बस गाइस मैंने इतना ही कहा था कि हो सके तो उसे माफ़ कर देना, अब करना नहीं करना गाइस आप लोगों पर डिपेंड करता है, मेरा बस काम है आपको बोलना कि हो सके तो माफ़ कर देना। FIR हो चुकी है, अरेस्ट हुआ था वो, अब जो भी होगा गाइस वो कोर्ट करेगा, आप और मैं करने वाले कोई नहीं होते हैं। तो यार
किसी को अभी इतना हेट देना है किसी बात को लेके, या मेरे को वो सही लगा उसको देना तो दो भी, बट उसकी मॉम को मत दो यार, बस यही मेरे को कहना था। तो इसलिए गाइज मैं ये वीडियो बनाया हूँ आज फिर, तो प्लीज़ यार थोड़ा समझा करो, पूरी बात सुना करो, देन गाइज कुछ बोला करो।